ऐसी जगह अपना टाइम और एनर्जी और सब इन्वेस्ट करना है जो मुझसे कोई कभी छीन ना सके hmm. न कोई लोग न टाइम न नेचर और वो एक ही चीज़ है विच इज़ योर टैलेंट कि हम जिंदगी में जो भी करते हैं ना वो या तो प्यार की वजह से करते हैं या तो डर की वजह से करते हैं hmm. कुछ भी होने दो करेक्ट कुछ भी हम दूसरे के एक्सपीरियंस से शायद कुछ जान सकेंगे सीख सकेंगे बट अनलेस यू एक्सपीरियंस यू विल नॉट लर्न एनी थिंग और एक्सपीरियंस से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता प्रदीप गांधी जी द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है जी बहुत बहुत शुक्रिया ये पिछला साल बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था पर आई फील कि आपके लिए इट्स फैटोस से कि लाइफ चेंजिंग था जी एक्चुअली बहुत सही बात है लाइफ चेंजिंग था मेरी लाइफ मतलब आ, पूरी बदल गई पर आप हर रात इस चीज़ को कैसे ऑब्जॉर्व करते हो आप सोचते हो इस चीज़ के बारे में कि यार पिछले साल ही क्या हो रहा था इस साल क्या हो गया सच कहूँ तो इतना नहीं सोचता हूँ शुरू शुरू में ऐसा लगा कि ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया का मेरी ओर देखने का नजरिया चेंज हो गया मैं तो जो था वही हूँ मैं एज अ पर्सन इतना कोई चेंज हुआ नहीं हूँ uh, तो लोगों का नजरिया सडनली बदल जाता है आपको देखने का ये सब होने के बाद बट आई गेस ये भी एक ऐसा चेंज है कि जो अपने हाथ में नहीं है ये चीज़ें जैसे हो रही हैं वैसे होने दो तो मुझे लगता है साक्षी भाव से इसे देखने का और मज़ा है <laughs> <laughs> कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द व्यूअर्स एंड आई एम ऑल्सो वॉचिंग थिंग्स चेंजिंग अराउंड मी अभी आपने लाइफ के लिए क्या प्लान करके रखा है मैंने लाइफ के लिए ऐसा कुछ ग्रेट प्लान करके नहीं रखा है मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे ये किरदार लोगों को इतना पसंद आया है जो अभी मैंने किया स्कैम का इसकी वजह से अगर कुछ बहुत अच्छा काम मिलता है आगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग किरदार करने मिलते हैं तो एक एक्टर के तौर पे तो मेरी वही भूख है आ, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ मेरी मम्मी गुजराती है हाफ गुजराती है तो मैं गुजराती माइंड को अच्छे से समझता हूँ और आई फील कि मुंबई में बहुत सारे एक्टर्स हैं इस इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जो ब्रेक थ्रू की कोशिश करते रहते हैं पर बहुत कम लोग ब्रेक थ्रू कर पाते हैं एंड आई फील कि आपने डेफिनेटली कोई गुजर, गुजराती माइंड सेट्स अप्लाई किए हैं प्री स्कैम स्कैम के पहले अपने करियर में आप पहले कॉपोरेट शोज करते थे आपने उसके बाद एक्टिंग में भी बहुत कुछ किया पर स्पेसिफिकली आपने करियर वाइज गुजराती माइंड को कैसे अप्लाई किया अपने करियर में अब पता नहीं ये गुजराती माइंडसेट है कि क्या है पर मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ जैसे मैं सोचता था जैसे हाँ, मैं सोचता हूँ हाँ. मुझे ऐसा लगता था कि कांस्टेंट चलते रहना किसी काम में जिस काम में आपको जो कुछ भी हासिल करना है जहाँ पहुँचना है उसमें काम करते रहना एक ही इलाज है और ये एक ही तरीका है जो मुझे आता है इसके बहुत सारे पहलू हैं एक पहलू ये है कि एक चीज़ को बार बार करते रहो उसमें अपने आप को बेहतर करते रहो ट्राइंग टू अचीव दैट फिनिश कॉन्स्टेंटली इज़ द की और वो करने के लिए तुम्हें जो करना पड़े वो करना पड़े जैसे मैं एक्टर बनने आया था बॉम्बे मैं थिएटर करता था सर्वाइवल uh, मतलब थिएटर करके घर का पूरा खर्चा चलाना सब कुछ चलाना बहुत डिफिकल्ट है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मैं इंजीनियर था तो मैंने जॉब भी किया जॉब करते करते फिर थिएटर चालू रखा और ये किया कुछ मैंने चौदह साल दो हज़ार में जब मेरी दूसरी गुजराती फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला जब मुझे अच्छा रिकग्निशन मिलने लगा गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में hmm. अच्छे नाटक ऑफर होने लगे तब मैंने सोचा कि अब ये सही टाइम है इसमें फुल फ्लेजर आने का hmm. तो अगर ये पूरा जो सेटअप मैंने किया या मेरे साथ होते गया वो अगर गुजराती माइंडसेट है तो शायद यही <laughs> गुजराती की सोसाइटी की एक बात बता दो जो सिर्फ गुजराती लोगों को पता है और शायद गुजरात के बाहर यहाँ गुजराती कम्युनिटी के बाहर लोगों ज़्यादा नहीं पता है पर गुजराती लोग जब एक दूसरे को देखते हैं उनको कुछ अंडरलाइन कैरेक्टर ट्रेट्स पता रहते हैं खुद एक दूसरे के बारे में तो सबसे उन... ज़्यादा तो मुझे लगता है कि एक जो कॉमन चीज़ मैंने भी देखी है अक्रॉस तो गुजरात पूरा मतलब गुजरात आ, भी बहुत बड़ा है और उसमें भी अलग अलग पॉकेट्स हैं मतलब किसी भी गुजराती के पास वो मतलब खाने का एक टॉपिक ऐसा है जिसमें हम चार पाँच घंटे तो आराम से बात कर सकते हैं हुँ. पहली बार मिलेंगे तो भी और एथिक्स वाइज और एथिक्स वाइज मुझे लगता है कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो मैंने गुजरात में बहुत देखी है खैर मैं वहीं पर बड़ा तो वहीं से आया हूँ तो शायद वो भी हो सकता है पर वो एक फैमिली कल्चर जो है बिजनेस का माइंडसेट है गिनती मुझे लगता है कि उनका सेकंड नेचर है वो गिनती कहीं मैथमेटिक्स मतलब वो गिनती किसी भी जगह पर किसी भी चीज में कर सकते हैं और वो गणित के साथ आगे बढ़ना उसके साथ जीना शायद उनके अंदर है खून में वो एक चीज़ है uh, किसी भी चीज़ को झगड़े से नहीं बातचीत से सुलझाना उनका एक नेचर वैसा है कि यार मतलब झगड़े से क्या होगा मतलब हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है जितने गुजराती इसको मैं जानता हूँ जितना मैं गुजराती इसको जानता हूँ उस हिसाब से बोल रहा हूँ Uh, और अभी अगेन एज अ गुजराती आप अपने करियर को कोई नजरिए से देख रहे हो क्योंकि आई फील कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की बर्स्ट हो गई है फेम का बर्स्ट हुआ है उसके साथ साथ डेफिनेटली आपके इनकम स्ट्रीम्स भी बदल गई है मतलब पहले जैसे आप कॉपरेट शोज़ करते थे एक्टिंग एक्टिंग्स करते थे अभी आप सोशल मीडिया स्टार भी बन गए हो <laughs> <laughs> तो आ, ये एक ओके नॉट जस्ट एज अ गुजराती आई एम श्योर कि क्योंकि आप गुजराती हो आपके अंदर एक बिजनेस माइंड तो रहेगा ही तो आप किस नज़रिए से अपने करियर को अभी देखने लगा देखो मैं मेरे करियर को इस नज़रिए से देखता हूँ कि अब ये मौका ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे जानने लगे हैं बतौर एक्टर मुझे नेशनल लेवल पर एक एक्सेप्टेंस मिली है कि हाँ ये एक बंदा है इसको हाँ। देखना चाहते हैं हम अलग किरदार में देखना चाहते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि ये सही समय है एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग तो अलग आय इज़ हॉट आयन इज़ हॉट तो मतलब अभी हथौड़ा मारने का टाइम है हाँ। और हथौड़ा मारने से मतलब मेरा यह है कि अलग अलग कैरेक्टर्स मैं निकाल सकूं अलग अलग कैरेक्टर्स कर सकूं ऐसा कोई एक जॉनर पकड़ के नहीं चलना मुझे ताकि जब कोई तो अभी ये देखो मतलब ये इंटरेस्टिंग बात जो मैं सोचता हूं मुझे लगती है कि जब कोई मेरा कोई नाटक देखने या मेरी कोई फिल्म देखने या मेरी कोई सीरीज़ देखे और अगर उसमें मेरा नाम है या मुझे स्क्रीन पर देखे तो उनके दिमाग में कोई एक चीज़ नहीं आनी चाहिए कि ये है तो ऐसा ही करेगा यह है तो इंटेंस होगा यह है तो हंसाएगा, यह है तो मतलब रोमांटिक एक्टर है मुझे देख के अगर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा यार ये क्या करेगा दैट्स द बेस्ट प्लेस ये रणवीर सिंह ने ये बात कही थी कि पहले सुपरस्टार्स थोड़े रैंडमली चुने जाते थे पर आज के जो सुपरस्टार्स होते हैं वे ओनली सिलेक्टेड ऑन एक्टिंग बेसिस आप इस चीज़ के एक बड़े एग्जाम्पल हो कि आपने एक्टिंग के बलबूते पर आ, अपनी मेरिट कमाई है फील पर प्री टू थाउजेंड वेब सीरीज़ के एरा से पहले टू थाउजेंड्स में आपने एक्चुअली टारगेट किया था इस दुनिया को तो तभी जब आप लेट ट्वेंटीज़ में थे मिड ट्वेंटीज़ में थे तभी सेल्फ डाउट आपको फील होता था क्योंकि बहुत बहुत सारे मिड ट्वेंटीज़ लोगों को सेल्फ डाउट फील होता है नहीं शुरू शुरू में क्या हुआ ना कि जितने ऑडिशन पे गए रिजेक्शन आने शुरू हुए लोगों ने बोला कि नहीं यार यू डोंट फिट दिस कैरेक्टर कभी कोई ये बोल देता था कि तुम्हें अमीर दिखाना बहुत डिफिकल्ट है यू लुक वेरी मिडिल क्लास तुम हीरो मटेरियल नहीं लगते हो योर बॉडी टाइप इज़ डिफरेंट तो ये सारी चीज़ें सुनता था तो मुझे क्वेश्चन ये आता था कि ये सारी जो चीज़ें हैं उसका टैलेंट से क्या लेने देना है वैन यू आर सेलेक्टिंग एन एक्टर आई एम आई एम श्योर किस एक्टर को सिलेक्ट करने के साथ मतलब एक्टर हैज़ टू बी ए पैकेज लुक फील टैलेंट वॉइस सब कुछ सब कुछ देखा जाता है पर टैलेंट को छोड़ के बाकी चीज़ें ही देखी जाए तो वो थोड़ा मतलब मुझे लगता था कि ऐसा क्यों है पर वो भी मेरे लिए समझने वाली बात थी आई हैर्क ऑन दोज एरियाज ऑल्सो ऑफ माई लाइफ ऑफ माई पर्सनैलिटी तो जब ऐसी चीज़ें लोग बोलते थे जब ऐसी बातें कहते थे तब कभी कभी शुरूआत में ऐसा लगा कि एम आई नॉट गुड इनफ मतलब मैंने कुछ गलत चीज़ें सोची हैं मेरे लिए और फिर मुझे उसका एक ही रास्ता दिखता था कि प्रैक्टिस करते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ और प्रैक्टिस करने के लिए थिएटर से बेटर कोई फील्ड मुझे लगा नहीं तो मैंने उसको पकड़ के रखा दूसरा मैं ये मानता था कि ऐसी जगह अपना टाइम और एनर्जी और सब इन्वेस्ट करना है जो मुझसे कोई कभी छीन सके। ना सके न कोई लोग न टाइम न नेचर और वो एक ही चीज़ है विच इज़ योर टैलेंट क्राफ्ट क्योंकि ये क्राफ्ट इतना इंटरनल है कि ये कोई चुरा के कहाँ ले जाएगा hmm. इसमें कोई कंपटीशन जैसी बात ही नहीं है वॉट आई थिंक एज एन इन वन इमोशन वट आई थिंक आई डोंट थिंक एनी बडी एल्स थिंक दैट वे इफ आई वोट एन इमोशन इन अ पर्टिकुलर वे देर इज नो कॉम्पिटिशन इन दैट एंड देट ऑल्सो गिव्स मी अक एज यू नो एक यूनिकनेस देता है कि हाँ ये एक्टर इस हिसाब से कुछ नया कर सकता है hmm. so, सो ऐसी कोई दो तीन बेसिक बातें थी जिसको पकड़ के चलते रहा एंड देट हेल्प मी सो सेल्फ डाउट थोड़े टाइम के लिए आया भी और निकल भी गया hmm. पर कोई लो मोमेंट्स थे सेल्फ डाउट मोमेंट्स के बाद सेल्फ डाउट मोमेंट के बाद ऐसे कोई लो मोमेंट्स नहीं थे क्योंकि मैं मैं एक्चुअली ऐसे सोचता था और आज भी ऐसे सोचता हूँ कि जैसे ही ये ऐसा टाइम आता है ना जब आप बहुत लो फील करते हो सेल्फ hmm. डाउट जैसा होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी जैसे सीपिन होती है ना उसके पहले उसे निकाल दो ओके okay. तो ध्यान पूरा डाइवर्ट करना है उन पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जहाँ पर मेरे पास कुछ करने के लिए है कल सुबह उठ के मैं क्या करने वाला हूँ वो अगर मुझे कुछ एक्साइटमेंट लगता है देन आई हैव गुड इनफ रीज़न टू गो एंड स्लीप आपसे बात करके ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली टफ़ हो पर जो लोग मेंटली टफ होते हैं यूजुअली उनके पास में उन्हें कुछ चीज़ों का सामना भी करना पड़ा जिसकी वजह से उनका मेंटल टफनेस बढ़ा था तो ऐसी कोई चीज़ें हुई थी आपके साथ कॉलेज में में मेरे को पता एक एक चीज लाइफ हुई थी जिसका नाम है इंजीनियरिंग कॉलेज आर टफ मैन वो इंजीनियरिंग के कुछ जो साल होते हैं ना वो आपको हाँ. एकदम टफ बना देते हैं वैसे जब वो आप पूरी एक मशीन ड्राइंग की शीट ड्रॉ करके जाते हो हुँ. चार रात जाग के और जब वहां जाके प्रोफेसर बोलते री ड्रॉ <laughs> तो लगता है दैट <laughs> 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 फ्रस्ट्रेशन वो गुस्सा इंजीनियरिंग पास हुए थे हमेशा मैं डिस्टिंक्शन से इंजीनियर हुआ हूँ डिप्लोमा में भी और इंजीनियर ग्रेजुएशन में भी नाइस तो मतलब वो वैसा तो कभी कोई टेंशन नहीं था और ऐसा कोई इंसिडेंट भी नहीं हुआ लाइफ में कि मुझे ऐसा एकदम यू नो धक्का लगे और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाए पर थ्रू आउट आई गेस सबसे बड़ा आशीर्वाद भगवान का यही रहा कि मेरे पेरेंट्स भी ऐसे थे मेरा सराउंडिंग भी ऐसा था सारे दोस्त भी ऐसे थे स्कूल भी ऐसी थी जहाँ से कांस्टेंट एक वो पॉजिटिव एनर्जी हाउ डू यू कन्वर्ट योर एनर्जी इंटू पॉजिटिव एनर्जी हाउ डू यू कन्वर्ट एवरी और बेसिकली आई गेस मेरा नेचर अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो नाउ आई रियलाइज दैट मेरा नेचर ही ऐसे होता गया कि, कि किसी भी चीज को मैं एक्शनेबल पॉइंट्स में सोचना शुरू करता हूँ सोल्यूशन क्या हो करना हो है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा दिमाग ही सोल्यूशन की ओर जाता है hmm. इसलिए शायद आप अच्छे बिजनेसमैन भी बनोगे हाँ तो आई एम एम वेटिंग फॉर देट टू हैपन दैट देर आर लॉट ऑफ आइडियाज एज एज यू आस्क मी के गुजराती माइंड सेट सो आई गेस दैट्स माई गुजराती माइंड सेट देट एंटरप्रिनल थाट प्रोसेस इज एब्सलुटली विद इन तो मैं जब जॉब करता था उसके साथ थिएटर करता था ऑडिशंस देने जाना होता था बहुत बार ऐसा होता था कि अब जॉब से निकल के मेरा जॉब था न्यू बॉम्बे ऑडिशंस होते हैं अंधेरी में mm. साढ़े सात बजे के पहले ऑडिशन पे पहुंचना वो पॉसिबल ही नहीं होता था वहाँ से सात बजे निकलो तो मैं साढ़े नौ बजे तो ये साइड आ सकता था mm. इस साइड हाँ तो इतने ऑडिशंस मेरे मैं नहीं जा पाता था उसकी वजह से कभी कोई ऐड नहीं मिला कभी कोई शूट नहीं मिला तो तब मुझे बहुत लगता था कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं यहाँ बैठे बैठे ऑडिशन दे सकूँ तो मैं तब से काम कर रहा था अब जाके मैंने एक ऐसा ऐप भी डिज़ाइन कर लिया है mm. जब आप मतलब आप कहीं से भी कोई ऑडिशन दे सकता है यू कैन स्काउट फॉर एक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस दी बॉर्डर सो आई गेस आई एम वर्किंग क्लोजली ऑन दैट एक अपकमिंग यूट्यूबर है जिनका नाम है अमन दत्तरवाल वो एडुकेशन बेस्ड यूट्यूबर है एंड आई थिंक ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड पॉडकास्ट तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको क्या लगता है लोग सोशल मीडिया क्यों यूज़ कर रहे हैं उस इसका लॉजिक क्या है और लोगों को सोशल मीडिया क्यों यूज़ करना चाहिए तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि ये आपके लाइफ के जो भी बिज़नेस आप खोलना खोलना चाहते हो ये उसका एक प्री बन जाता है जी क्योंकि आपको पहले फ़ेम मिलता है फ़ेम से एक कम्युनिटी बन जाती है और उस कम्युनिटी को आप अपने बिज़नेस के साथ टारगेट कर सकते हो या आपने सोचा कभी एट एनी पॉइंट फॉर योर सेल्फ जहां तक सोशल मीडिया की बात है ना तो मैं सोशल मीडिया को एक टूल की तरह देखता हूँ स्ट्रोंगेस्ट कम्युनिकेशन टूल दैट हेल्प्स अस रीच आउट टू दी ऑडियंस दैट वी वांट टू रीच आउट टू इससे ज्यादा मैं सोशल मीडिया को सीरियसली लेता नहीं हूँ मतलब और हमारे बिजनेस में तो सोशल मीडिया बहुत इंटीग्रल पार्ट है

नहीं, नहीं। और तब दोस्तों को पता चल रहा या इससे मिल लिया आज जा इससे मिल लिया उतना ही मेरा इंटरेस्ट था सोशल मीडिया का मैं आज भी ऐसा कोई फीड मतलब देखना स्क्रॉल अप करना वैसा करता नहीं हूँ मेरे <laughs> में उतना पेशेंस ही नहीं है शायद <laughs> आ, इस सक्सेस की वजह से लोग आपको कैसे नज़रिए से देख रहे हैं आई एम श्योर फैंस आपको पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं बट कभी कभी चलो आप क्योंकि आप इंजीनियर इंजीनियर टर्न टू मीडिया पर्सनैलिटी तो मैं उस नज़रिए से भी बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में मोस्टली एनिमिटी नहीं रहती है जेलेसी नहीं रहती है क्योंकि सब लोग साथ में पचता रहे हैं तो ये <laughs> ये रहता है कि चलो साथ में इस चीज़ को फेस कर लेते हैं पर जब मीडिया इंडस्ट्री में आते हो आई फील कि आई एम पर्सनली नॉट अ कम्पटेटिव पर्सन एट ऑल फुटबॉल में नहीं क्रिकेट में नहीं वहाँ कॉम्पिटिशन का वो वाइब आ जाता है बट इन लाइफ आई एम नॉट दैट कम्पटिटिव पर आसपास के लोग बहुत कंपेटेटिव होते हैं आपने ये नोटिस किया कि लोग आपको एक कम्पेटेटिव नज़रिए से भी देख रहे लोग पूछे कि वाई डिड ही गेट इट नॉट मी या जो जो एक्टर्स है जिनका करियर शायद डाउनवर्ड टैजेंट बाजार वो लोग आपको देख के कुछ चीज़ें सोच रहे हैं आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है जी नहीं अभी तक मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है और मैं इस चीज़ को ऐसे देखता भी नहीं हूँ क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ना एक्टिंग एक्ट्रेस का जो बिज़नेस है ना हमारा जो काम है ये बहुत इमोशंस का, का काम है और इमोशन ऐसी चीज़ है जो बहुत इंटरनल चीज़ है मतलब ये आप कभी कंपेयर ही नहीं कर पाओगे दो लोगों को कंपेयर करना मतलब दो प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हो दो एक एक मोबाइल एक साबुन शैम्पू यू कैन स्टिल कंपेयर विद द यूसेजेज और विद द इंग्रेडिएंट्स हाउ डू यू कंपेयर टू पीपल एंड वी आर ह्यूमंस हमारा काम ही अलग है तो मैं कभी किसी दो एक्टर को एज अ कॉम्पिटिशन देखता ही नहीं हूँ hmm, hmm, hmm. किसी एक रोल में समबड़ी इज फिनोमिनल एंड आई माइट नॉट बी दैट गुड इन दैट कैरेक्टर एज अ लुक फील एवरीथिंग सो हो ही सकता है Hmm. और अब तक तो मुझे जितने लोगों से बात हुई इंडस्ट्री के भी जितने हैं एस्टेब्लिश एक्टर्स बोलो चाहे जितने भी सीनियर्स uh, हैं बहुत प्यार मिला है लोगों से बहुत hmm. प्यार से लोगों ने मुझे वेलकम किया यहाँ पर hmm. जब आप स्कैम नाइनटी टू कर रहे थे आपको वो फीलिंग आई कि ये एक्सप्लोड होने वाला है ये बहुत चल नहीं ये फीलिंग तो नहीं थी <laughs> पर ये फीलिंग जरूर आई थी कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसपे मैं बहुत यू नो आई एल बी एबल टू टेक लॉट ऑफ प्राइड इन फ्यूचर आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस गुड सब्जेक्ट गुड प्रोजेक्ट एंड आई वॉज वर्किंग विथ वेरी प्रोफेशनल एंड एकम्प्लिश्ड पीपल अराउंड मी लाइक अंसल सर एंड अपलॉज टीम एंड ऑल उन्होंने बहुत कुछ किया है लाइफ तो मैं तो मतलब मुझे सीखने मिल रहा था और मेरी लाइफ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट पहले ही ऐसे माउंट हो रहा था तो मुझे उसका बहुत एक्साइटमेंट था इनफैक्ट आई कैन टेल यू ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम हम सब लोग बहुत खुश थे कि कुछ अच्छा कर रहे हैं पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये ऐसा बम फटेगा मतलब रातों रात और पहले पहले चार पाँच दिन में तो चीज़ें बदल गई आपको फ्लो स्टेट के बारे में पता फ़्लो स्टेट तो फ्लो फ्लो स्टेट एक्टर्स के साथ होता है डायरेक्टर्स के साथ होता है और प्रोजेक्ट्स पर होता है यूट्यूबर्स के साथ भी हो सकता है ऑन दी एडिट टेबल सिंगर्स के साथ हो सकता है इन द म्यूज़िक रूम जहाँ एक क्रिएटिविटी का पीस खुद को बना देता है लोगों के थ्रू मतलब जब आप कोई चीज़ आ, बनाने जा रहे हो जब आप बैठते हो चीज़ लिखने या करने वो ख़ुद से बन जाती है फ्लो हाँ। में तो जो आप कह रहे हो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो की बस अच्छी चीज़ बन गई हाँ सो ई आई मीन वी से थिंग्स इन डिफरेंट वर्ड्स दैट तो मैं पर्सनली बहुत मानता हूं कि जहां तक फिल्म मेकिंग की बात है ना कोई एक स्क्रिप्ट जो कागज़ से निकल के किसी के दिमाग में जाती है लोग उसे परफॉर्म करते हैं उस किरदारों को जिंदा करते हैं mm. और फाइनली फिल्म बनती है mm. फिर चाहे फिल्म हो नाटक हो कुछ भी हो तो मेरे लिए बहुत स्पिरिचुअल प्रोसेस है ये पूरा mm. यही फ्लो स्टेट फ्लो स्टेट मतलब आई डिट नो दर्म बट वॉट आई थिंक अबाउट इट इट्स अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल प्रोसेस और इसमें कौन सी चीज कौन लेके आता है नो बड़ी नोज आप सक्सेस कुछ भी सक्सेसफुल होने के बाद आप किसी से पूछो कि आपने कैसे किया तो वी ऑल ट्राई टू फाइंड करेक्ट वर्ड्स टू पुट इट इन रियल वर्ड्स यू नो टू कम्युनिकेट बट फिर भी मैं बोता रहा हूँ मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए होंगे मैंने जितने भी लोगों से कहा कि मैंने इसको कैसे किया आई डोंट नो मेरे पास उसके वर्ड्स नहीं है क्या आपने उस सीन में वैसे तो मतलब कैसे किया आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स इट इज अ वेरी वेरी स्परिचुअल प्रोसेस एज एन एक्टर आई कैन सेट वेट इन टू द कैरेक्टर आई स्टार्ट फीलिंग लाइक अरेक्टर आई स्टार्ट परफॉर्मिंग लाइक हिम एक्शन रिएक्शन सब कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें जाती है इसमें और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है आई गेस दैट द बेस्ट थिंग अबाउट माई प्रोफेशन एंड इट इज अंट सो हर एक स्क्रिप्ट का खुद का एक ना नसीब होता है खुद की डेस्टिनी होती है और कभी कभी ऐसा होता है स्क्रिप्ट सबको ढूंढ लेती है Hmm. और ये स्क्रिप्ट का ही पावर होता है इट्स द पावर ऑफ द स्क्रिप्ट इन दंटेंट कि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर म्यूजिशियन सबको ढूंढ लेती है hmm. आप देखिए ना बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि कोई एक स्क्रिप्ट 2010 से उनके पास थी इतने लोगों ने ना बोला हाँ बोला घूमती रही घूमती रही फाइनली इट बिकेम हिट ऑफ द डेकेड और हिट ऑफ द मिलेनियम आई मीन यू नेवर नो नहीं पर डेफिनेट जब मैंने भी स्कैम देखा मुझे भी यही लगा कि ये फ्लो स्टेट में बनाया गया है ये शो जो भी डायरेक्ट कर रहे हैं आपको सिलेक्ट किया एक रीजन के लिए ये लाइन यहाँ डाली गई एक रीजन के लिए हाँ मतलब ये सब वो आई इज सम कनेक्शन वर्क्स दैट आप स्पिरिचुअल हो वैसे नॉर्मली yeah, या yeah. इस पर आप थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो ये थॉट स्पिरिचुअल इज आई एक्चुअली फील दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन स्पिरिचुअल मींस दैट आई फील के अंदर से जो पहली आवाज आती है ना आप intuition. Intuition. Hmm. जिसे intuition बोलते हो दर्ट प्योरेस्ट ऑफर पॉवर इज यू एंडस्ट कॉन्वर्जेशन एवर हम, हम मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है जो बोलते रहते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है पर वो हो क्या रहा है उसमें इट्स योर रिएक्शन दैट डिसाइड्स कि, it's your reaction that decides आपकर, कि ये खराब है कि अच्छा आपकर, है। टेस्ट, हो सकता। टेस्ट भी हो सकता है hmm. और आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आई मीन आपने भी शायद फील किया होगा कि कोई एक चीज़ करने से पहले वो जो एक अंदर से फील आती है ना अल्टीमेटली दैट्स द करेक्ट फील्ड मतलब मुझे पूछते हैं लोग कि आप सिर्फ स्क्रिप्ट कैसे सिलेक्ट करते हो इसका पार्ट बनना है नहीं बनना है कैसे सिलेक्ट इट्स एब्सुलूटली गट बेस्ड कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें मैं कुछ कर पाऊंगा hmm. ये मेरे लिए कुछ कर पाएगा hmm. मैं इसमें वैल्यू एड कर पाऊंगा ये मेरी लाइफ में वैल्यू एड कर पाएगा ना दैट्स द ओनली थिंग दैट इन साइड मी एंड दैट्स हाउ आई सिलेक्ट आपने ये सब सीखा कहाँ से मतलब आप बुक्स पढ़ते हो आप इंटरव्यूज देते आई गेस द बिगेस्ट टीचर इन माई लाइफ इज माई एक्सपीरियंस विच कम्स फ्राम ऑफकोर्स लॉट ऑफ कैरेक्टर्स दैट आइव क्रिएटेड ऑन स्टेज और वॉट एवर दैट आइव रेड पीपल देट आइव मेट स्कूल कॉलेज दोस्त मतलब आजू मतलब मैं मेरी आजू बाजू की दुनिया से ही सीखा हूँ जो सीखाऊँ hmm. कई बार कुछ पढ़ते हैं कोई एक आध वन लाइनर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर रह जाती है जैसे आई वॉज रीडिंग दिस बुक उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक बात थी जो और मैं किसी भी एंगल से देखूँ तो मुझे वो बात बहुत सही लगती है कि हम जिंदगी में जो भी करते हैं ना वो या तो प्यार की वजह से करते हैं या तो डर की वजह से करते हैं hmm. कुछ भी होने दो करेक्ट कुछ भी मतलब आपने पॉडकास्ट के लिए पूछा अगर मैंने हाँ बोला है तो उसके दो ही ड्राइविंग रीजन है क्या तो मुझे ये करने में मज़ा आने वाला है मतलब इट्स इट्स माय लव टू डू दीज थिंग्स या तो मुझे ना बोलने का डर लगा कि यार बुला लग जाएगा hmm. इसके अलावा तीसरा कोई रीज़न ही नहीं है ये करने का वैसे देखो तो इफ़ यू थिंक स्लाइस सो एनी थिंग विच इज़ ड्रिवन बाई फियर इज नेगेटिव वो आपको डरा डरा के ही चीज़ें आप करते जाओगे लाइफ एंड देट्स नॉट रियल मतलब वो आपके अंदर के थॉट प्रोसेस को बहुत डायल्यूट करते जाता है एंड बियड अ पॉइंट उससे थकान लगने लगती है उससे आप दूर जाना चाहते हो वो एक वो बॉद्रेशन हो जाता है जैसे ही चीजें प्यार से ड्रिवन होना शुरू होती है और वैन आई एम लव इट इज इट इज पैशन इट इज अ थिंग दैट यू एंजॉय द मोस्ट इट इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट इनर फील देन यू कैन एक्सेल देयर अब ये कुछ भी हो सकता है यार मेडिकल इंजीनियरिंग इट एन कैन बी एनी फील्ड एनी फील्ड सो दिस इज हाउ आई थिंक आई मीन दिस वन पर्टिकुलर लाइन एंड इट चेंज माई परसेप्शन टूवर्ड्स लॉट ऑफ थिंग्स सिमिलरली इन इंजीनियरिंग दैट आई हैड बिकॉज मेरा मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता था सिख सिग्मा है लीन सिग्मा है सो लीन इज अबाउट यू नो कटिंग डाउन ऑल द फैट्स कीप इट सिंपल कीपिंग इट सिंपल इज सच अ सच अ ब्रिलियंट इंसाइट टुवर्ड्स लाइफ बहुत डिफिकल्ट है चीज़ों को सिंपल और स्ट्रेट कट रखना जहाँ ज़्यादा हम ऐड ना करते जाए सो लीन देट वे आई गेस मैंने लीन पे जो एक कोर्स किया दैट चेंज माई था चेंज माई लाइफ आई फील की डेफिनेटली जब हम इंजीनियरिंग को हाईलाइट करते हैं हम वो जुगाड़ को हाईलाइट करते हैं हम वो एवरी थिंग टफनेस को highlight करते, पर ये भी ये जो आपने कहा बेसिकली uh, ये सिंपल मशीन्स का लॉजिक सिंपल मशीन्स का लॉजिक है ना एंड hmm. इंजीनियरिंग में देखो ना वर्ल्ड में जितनी बेस्ट चीजें बनी है एवरी बॉडी है वहीं से ब्रिलियंट डिजाइंस बने हैं सारे correct. कोई भी चीज़ उठा के देख जितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है वो तो कोई लेना ही नहीं चाहता करेक्ट mm -hmm, हम मतलब एंड दिस अप्लाईज इक्वली टू आर लाइफ आल्सो हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते ही जाते हैं mm -hmm. अब देखिए कहीं पर भी कि ये एक चीज़ है अभी मुझे आदमी पे विश्वास नहीं है तो उस पर चेक करने के लिए मैंने और एक आदमी रखा मुझे उस पर उस पर भी विश्वास नहीं है तो मैंने उसके लिए ऑडिट रखा मुझे ऑडिट पे विश्वास नहीं है मैंने उसके लिए दूसरी एजेंसी को रखा मतलब यू कीप एडिंग थिंग्स इट इज़ नॉट सॉल्विंग द पर्पज इट इज मेकिंग इट इवन मोर कॉम्प्लेक्स आई फील कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें कर रहे हो एंड आई डेफिनेटली फील कि आपका भी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन अभी ही हो रहा है सबका होते जा रहा है यू कैन से इवन जो इवॉल्व सोल्स होते हैं वो हैडिटिंग उनका भी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होते जा रहा होते रहा है तो जब आपका एवोल्यूशन होते जा रहा है और उसके साथ साथ मटीरियल वर्ल्ड ने आपको इतना सक्सेस दिया, दिया है फेम दिया है ऑपरचुनिटीज़ दिया अभी तो एट दिस स्टेज एज अ पर्सन आप कैसे इवोल्व कर रहे हो स्पिरिचुअली आप कैसे इवॉल्व कर रहे हो आपको अपने आप में कौन सी चीज़ चेंज करनी है मुझे एक्चुअली स्पीकिंग अभी मुझे खुद में ऐसा कोई चेंज नहीं करना है मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ क्योंकि जैसा हूँ ना वैसे ही यहाँ तक पहुँचाऊँ तो आई गेस यहाँ से आगे की जर्नी भी वैसे ही होगी ना मेरा थाट प्रोसेस बदल रहा है ना मेरे काम को देखने का नजरिया बदल रहा है ना मेरा लोगों को देखने का नज़रिया बदल रहा है मेरी जिंदगी में मैं ऐसे कोई बड़े मटेरियलिस्टिक चेंजेस तो ठीक है वो सबकी ज़िंदगी में आते हैं जाते हैं वो होते रहता है घर चेंज होगा गाड़ी चेंज होगी वो आपस चेंज होगा कुछ ना कुछ वैसे चेंज होता रहेगा शायद कुछ बड़ी चीज़ें लाइफ में आएंगी जाएगा कुछ नया आएगा वो तो मैं उसको उस, उसको नहीं देख रहा हूँ बेसिक जो चीज़ है मेरी जो मैं हूँ अंदर से वो तो चेंज होगा होगा नहीं आपको लगता है कि आपके कोई वीक फैक्टर्स है या वीक पॉइंट्स है इफ़ एट ऑल क्योंकि बहुत सारे हैं यार बहुत सारे होंगे ही <laughs> आपके अकॉर्डिंग क्या है मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे वीक फैक्टर्स अब वो मैं एक्चुअली मेरे घर वालों से पूछो तो उनके पास लिस्ट होगी लंबा आई एम श्योर पर मेरा वीक फैक्टर मुझे लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से नो ओके मतलब मुझे लगता है कि यार बहुत बुरा लगेगा अरे अरे, अरे यार, यार ये हो जाएगा मतलब डर की वजह से, की यार? से अरे यार नहीं यार अरे मतलब hmm. तो वो वो एक चीज़ ऐसी है जो मैं खुद में बदलना चाहता हूँ दूसरा आपने मुझे डिस्कशन शुरू होने से पहले भी पूछा था कि आप मेडिटेशन कर पाते हो कि नहीं तो मैं लंबा मेडिटेशन भी नहीं कर पाता पर करना मुझे करना है आई एम ट्राइंग टू अचीव पर एक बहुत रेस्टलेसनेस है मुझे मेरे अंदर बट दैट दैट इज द दैट इज़ वॉट मेडिटेशन इज आई फील जिसके भी अंदर रेस्लेसनेस होता है मेडिटेशन का फर्स्ट ये रहता है कि आपको बस उस रेस्टलेसनेस को ऑब्जर्व करना ऑब्जर्व करो उसको काम डाउन करो मतलब मुझे एक जगह बिना कुछ किए अगर एक जगह बैठना है तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है मेरे लिए पर आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड इंसान हो और आई फील कि जिस इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा मोटिवेशन होती है उन उनके लिए खुद का एक विजन भी रहता है खुद के दिमाग में वो खुद का एक विजन बना के रखते हैं खुद के गोल स्टेटमेंट्स बना के रखते हैं मिशन स्टेटमेंट्स बना के रखते हैं वॉट आर यू वर्किंग टूवर्ड्स आपका एंड गोल क्या है आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो आप इतनी सेल्फ एनालिसिस क्यों कर रहे हो आई डोंट नो सेल्फ एनालिसिस में मुझे अभी मजा आने लगा ऐसा मुझे लगता है एक्टिंग की वजह से एक्टिंग की वजह से नहीं वो मैं मेरे इंजीनियरिंग के फील्ड में था तभी भी ऐसा ही था शायद <laughs> <laughs> खुद को ब्रेक डाउन करना हाँ नहीं ब्रेक <laughs> डाउन से ज्यादा मुझे क्या मजा आता था, था पता है अभी भी एंड दिस इज द कॉन्स्टेंट थिंग आई गेस आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू चेंज इट और आई वांट टू चेंज इट बट आई कॉन्स्टेंटली फील दर इज अ कॉन्स्टेंट स्कोप फॉर एन इम्प्रूवमेंट अराउंड यू इनसाइड यू सो वो तो है ही कि मतलब ये यू कैन डू इट एंडलेसली एंड इफ इट इज एंडलेस इफ इट इज अ कॉन्स्टेंट जर्नी देन यू आर एट इट यू कॉन्स्टेंटली कीप डूइंग इट तो मुझे लगता है वो बैक ऑफ द माइंड ये ये इतना अंदर चला गया है कि मेरा थॉट प्रोसेस ही वैसा है मैं सोचता ही वैसे हूँ मैं काम भी ऐसे ही करता हूँ मेरा नज़रिया सब चीज़ के प्रति ऐसा ही होता है कि इसको और बेटर कर सकते हैं इसे और बेटर कर सकते हैं सो आई गेस दैट नेवर लेट्स यू स्लीप आपको लगता है कि आप एक ब्लेस्ड इंसान हो यस एब्सोल्युटली क्यों लगता है सर सा? बहुत सारी चीज़ों की वजह से लगता है ऐसा एक्टिंग से पहले भी एक्टिंग से पहले भी मतलब मुझे लगता है कि मैं मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मेरे स्कूल मेरे दोस्त मेरा फैमिली जितना भी काम मुझे अब तक मिला जितने भी लोग अब तक मुझे मिले सब कुछ सब कुछ एवरीबडी हैज़ एडेड समथिंग टू इन माई लाइफ ये स्टेटमेंट आपने सुनी है कि योर एक्सटर्नल वर्ल्ड बिकम्स योर इंटरनल वर्ल्ड तो क्योंकि आप पहले से इतने ज्यादा पॉजिटिव हो शायद इसलिए लाइफ आपको और भी ज्यादा पॉजिटिव चीज़ है मेरे साथ ये बहुत होता है कि अगर मैंने कुछ रैंडमली वेगली भी सोचा है ना तो वो चीज़ होती है नेक्स्ट आप क्या सोच रहे हो <laughs> मतलब अभी मैं सोचता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसा मुझे बोलते हैं कि तू थोड़ा यार सोचा कर यार धीरे सब साथ में हो जाता है। आपका एक कोई बड़ा गोल शेयर कि क्योंकि ये यहां तक पहुंची है इसलिए नहीं तो मैं आपको ऐसी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ आई मीन इट्स नॉट फॉर मी टू सेव बट जेन्यूनली आई फील दैट ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल ठीक है जब मैंने स्कैम पहली बार देखी माई फर्स्ट हंच वर्स दो चीज़ें मैंने नोटिस करी पहले कि ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक सीरीज़ है तो जो भी डरेक्टर है जो भी कैमरा पर्सन है वो लोग लो ने एकदम फ्लो स्टेट में इस चीज़ को डेफिनेटली <laughs> बनाया उन लोगों ने खुद नहीं बनाया ये वो एनर्जीज ने बनाया एंड mm सेकेंड -hmm. मैंने आपको नोटिस किया और आपके स्क्रीन प्रेजेंस को नोटिस किया और आज कल यूट्यूब की वजह से कैमराज की वजह से मैं स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ईजिली नोटिस कर पाता हूँ एंड यू कैन टेल कितना लेवल का स्क्रीन प्रेजेंस भी होता है। और बहुत लोगों का स्क्रीन प्रेजेंस इतना ज़्यादा होता है तो ये आप कॉन्शियसली करते हो कि आपसे भी हो जाता है मैंने स्क्रीन प्रेजेंस और इसके बारे में कभी सोचा नहीं पर हाँ मैं जो करता हूँ मैं बताता हूँ मैं थिएटर में भी ऐसे ही करता हूँ कि जैसे कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर मुझे क्रिएट करना होता है ना उस कैरेक्टर को अगर मैं लाइव सच में क्रिएट ना कर पाऊँ तो लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं तो मुझे एक्चुअली उस कैरेक्टर में घुस जाना पड़ता है Hmm. अब मुझे नहीं पता वो कैसे करते हैं कैसे होता है बट आई स्टार्ट यू नो थिंकिंग लाइक दैट कैरेक्टर सो आई फील दैट देर इज नो चीटिंग अलाउड कोई बनावट अलाउड नहीं है उसमें आई हैव टू बी एब्सोल्युटली प्योर विथ माई सेल्फ टू क्रिएट अनदर सेल्फ विच इज अ कैरेक्टर और एक, एक्टर एक 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 जब कोई किरदार बनाता है ना तो उसके अंदर दो इंसान होते हैं एक वो खुद और एक वो कैरेक्टर तो मुझे दोनों तरह से अवेयर रहना पड़ता है कि एक तो मैं हूँ जो कि रियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए अवेयर हूँ कि यहाँ लाइट है यहाँ कैमरा है यहाँ इंसान बैठा ये दूसरा वो किरदार है जो कि उस वर्ल्ड जो हमने क्रिएट किया है उसके लिए अवेयर है hmm. कि अगर इसने ये बोला है तो मुझे इसको ऐसे रिएक्ट करना है मुझे इस लाइन को ऐसे बनाना है कि किरदार में रह के तो और ये चीज़ बियॉन्ड अ पॉइंट एक दूसरे से इतनी मिल जाती है दैट यू बिकम वन एंड इफ आई अचीव दैट दिस मैजिक हैपन्स थोड़ा डार्क सवाल पूछना आपको ओके uh, okay, दो चीज़ें पहले तो लोग कहते हैं कि जब भी एक एक्टर कोई कैरेक्टर को प्ले करता है उस कैरेक्टर की कोई चीज़ उस एक्टर के साथ हमेशा के लिए रह जाती है तो वो पूछना है आपको हर्षद मेहता के बारे में हर्षद मेहता की वो कौन सी चीज़ है विच आई फील की यू विल नेवर यू नो लेट गो ऑफ दूसरी दूसरा सवाल मैं बाद में पूछता पहले ये बता दो तो मुझे लगता है हम लोग जितने भी किरदार करते हैं ना वो सारे किरदार के कुछ ना कुछ अंश हमारे अंदर रह ही जाते हैं तो उनसे क्या लिया था आपने हर्षद मेहता के किरदार में मुझे दो तीन चीज़ें जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी वो हिज पैशन और वो जो एटीट्यूड था वो एंड तक लड़ने का चीज़ से चिपके रहने का करते रहने का वो बहुत सही था ना हाउ यू यूज़ इट व्हेन यू यूज़ इट नेगेटिवली पॉजिटिवली इट्स अ डिफरेंट थिंग आपको लगता है हर्षद मेहता की सोल आपको देख के कहीं कुछ फील कर रही होगी एंड इफ़ यस देन क्या मुझे लगता है ये जितने भी कैरेक्टर्स मैंने बहुत रियल लाइफ कैरेक्टर्स किए हैं बहुत बारिक कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं स्टेज पे ज़्यादा किए हैं स्क्रीन पे तो ये पहला ही मौका था पर ये ऐसे जितने भी किरदार किए ना कहीं ना कहीं आई फील द सोल ये बात आप समझा सकते हो हर्षद मेहता के बारे में हर्षद मेहता के बारे में मुझे ऐसा लगता है वैन आई आई वॉज क्रिएटिंग दैट कैरेक्टर वैन आई वॉज परफॉर्मिंग सर्टन सीन आई एक्चुअली फील दैट वे अब ये नहीं पता मुझे कि उन्होंने तब क्या फ़ील किया होगा या वो कैसे है बट आई कैन जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस कि जब मैं वो बहुत सारे सीन ऐसे थे जब मैं वो करता था तो आई फील कि इस टाइम पे क्या फील हुआ होगा Hmm. और इसे कोई किसी बुक में लिखी नहीं सकता इसे वर्ड में डालना बहुत डिफिकल्ट है Because. क्योंकि राइटर्स ने भी जब लिखा होगा चाहे वो सुचिता दलाल जी ने जब बुक भी लिखी है उनका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है उनका पूरा एनालिसिस है बट एक आदमी के अंदर क्या चलता है वो लिखना पॉसिबल नहीं है शायद हर्षद मेहता की एक ख्वाहिश रही होगी कि आई वॉन्ट माई स्टोरी टू बी टोल्ड इन दिस वे यू नेवर नो दैट दैट वे वॉक्स आपके थ्रू ये स्टोरी आई एम दोजन नहीं बट अब यशराज मुखाटे को जानते हो ना जिन्होंने ये सब रसोड़ा और तो अभी रिसेंटली उनके साथ एक एपिसोड किया था ए आर रहमान की बातें हो रही थी वहाँ तो उसमें हमने माया कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था माया कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानते हो लोग कहते हैं कि हमारे आसपास एक सिमुलेशन चल रही है कि ये सब रियल नहीं है तो जब मैं और आप बातें कर रहे मेरी सिम्यूलेशन आपकी सिम्यूलेशन से बातें कर रही है ओके ओके सो दैट बेसिकली मींस कि जो भी आर्ट आप अपने आसपास देखते हो ये आर्किटेक्चर भी हो सकता है सॉन्ग्स हो सकते हैं फिल्म हो सकते हैं जो भी जो भी आर्ट आप अपने आसपास देख रहे हो वो यूनिवर्स का एक मैनिफेस्टेशन होता है राइट right. जो लो, अलग अलग लोगों के फ्लो स्टेट के थ्रू बनाया जाता है और आ, अगर मान लो जिस इंसान ने महाभारत लिखी ठीक है या जिस इंसान ने रामायण लिखी दैट पर्सन टर्स बैक वुड हैव थॉट कि हाँ अगर टू थाउजेंड टेन में मुझे खुद को मैनिफेस्ट करना है उस टाइम uh, लाइन के लिए तो फिर आई विल चूज बी आर चोपरा टू मेक इट आई विल चूज रामानंद सागर टू मेक इट तो ये आपने वही वही चीज़ कह दिया हाँ वैसा वैसा होता ही होगा आप देखिए ना इतने सारे लोगों में से एक, एक्टर्स का तो मैं एक चीज बहुत बहुत विश्वास से मानता हूँ इसे कि एक्टर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप एक जिंदगी में बहुत सारी जिंदगी जी सकते हो Hmm. अलग अलग किरदार करके उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं होते हैं बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते ही होंगे इसको बहुत सारे लोग इसे बहुत ज़्यादा दिल पे भी ले लेते हैं दैन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर 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 देम लाइक कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स फॉरक्टर्स बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज सी अल्टीमेटली इट्स इमोशनली ड्रेनिंग जितने इमोशंस हम क्रिएट करते हैं स्टेज पर या कैमरे के सामने वो सारे इमोशंस हमें जीने पड़ते हैं तब hmm. तो वो गुस्सा वो हंसी वो डिप्रेशन सारी चीज़ें हम अगर मैं अगर अंदर से फील नहीं करूँगा तो मैं निकाल नहीं पाऊँगा तो वो फेक तो तुरंत पता चल जाएगा नहीं, 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 नहीं। आप बहुत ऑब्जर्वेंट इंसान हो आप मुझे भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही है मुझे पता है पर जिस जिन एक्टर्स को आपने ऑब्जर्व किया अब तक बिफोर यू गॉट योर बिग ऑपर्चुनिटी आपने लोगों के मिस्टेक्स भी ऑब्जर्व किया कि उन्होंने लाइफ में कैसे मिस्टेक्स किए अपने हाँ मतलब ये तो अब जैसे जैसे लोगों को जानते हैं कि इन्होंने इस टाइम पे ये डिसीजन गलत ले लिया इसकी वजह से पूरा पूरी जिंदगी चेंज हो गई पर ऑन अ ह्यूमन लेवल क्या होता है आपको क्या लगता है मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजंस का तो ऐसा है ना कि हर एक सिचुएशन में हर एक इंसान अलग तरह से डिसीजन लेता है mm. और इसे राइट और रॉन्ग आप उसकी पूरी घटना के बाद ही डिसाइड कर सकते हो सो आई सी एवरी इन अ डिफरेंट वे दैट एवरीबडी इज एक्सपेरिमेंटिंग विद द लाइफ Mm -hmm. और एक्सपेरिमेंट के दो रिजल्ट होते हैं या तो वो सक्सेसफुल होता है या तो नहीं होता है हमारी हम हम लोगों ने ऐसा जनरली सोच लिया है कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सक्सेसफुल ही होना चाहिए नहीं तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे बेटर हम फॉलो कर लें किसी को दैट इज़ वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम इंडिया एज अ सोसाइटी आल्सो वाई आर वी आर एंड डी में हम लोग इतने पीछे क्यों हैं mm -hmm. हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया तो वो सक्सेसफुली होना चाहिए नहीं तो एक्सपेरिमेंट मत करो फिर किसी ने बनाया ना उसका रेप्लिका बनाओ जिंदगी में भी हमने सेम ही सोच लिया है मतलब एग्जाम्पल कैसे देते हैं उसका बेटा देखो वो इंजीनियर बना आज क्या कर रहा है तुम भी इंजीनियर बनो वो वो कैसे मतलब अप्लाई होगा वो रिस्क है तो इश्क है। हाँ, वो अप्लाई होगा कैसे एक की लाइफ दूसरे की लाइफ से डिफिकल्ट अलग ही है डिफरेंट ही है और डिफरेंट ही होनी है उनका एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से अलग ही होना चाहिए और अलग ही होगा तो मुझे लगता है कि जितने लोगों ने शायद कुछ करके हम दूसरे के एक्सपीरियंस से शायद कुछ जान सकेंगे सीख सकेंगे बट अनलेस यू एक्सपीरियंस यू विल नॉट लर्न एनी और एक्सपीरियंस से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता hmm. um, आपको क्या लगता है कि ये जो ओ की नई दुनिया जो बन रही है पैंडेमिक की वजह से भी hmm. लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदे मिले सोशल मीडिया इंडस्ट्री को ओ इंडस्ट्री को अब क्या होने वाला है वैक्सीन के बाद क्या होने वाला है वैक्सीन के बाद मतलब क्या होना चाहिए <laughs> मुझे लगता है कि वर्ल्ड शुड एक्चुअली नाउ सी एवरीथिंग इन अ डिफरेंट लाइट नहीं स्पेसिफिक मतलब, भी ओ टी टी स्पेसिफिक भी बात करूँ तो ऐसा है कि इट्स एन इनोवेशन वन ऑफ द बेस्ट इनोवेशन दैट है ओ टी टी ने पूरी दुनिया को खोल के रख दिया एक तो सारी दुनिया आपके एक फिंगर टिप पर आ गई आपके पास मतलब इंटरनेट के बाद अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है तो ओटीटी का हुआ है कि दुनिया के कोई भी कोने का कोई भी प्रोग्राम आप अपने घर से अपने मोबाइल पे देख सकते हो उसने इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात कर दी मेरे जैसे बहुत सारे एक्ट्रेस के लिए पूरी दुनिया बदल दी कि अब लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया है मेकर्स ने भी सारे ओ टी पर उनको रिलीज़ के पहले तीन दिन में परफॉर्मेंस का कोई प्रेशर नहीं है फ्राइडे सैटरडे बॉक्स ऑफिस डिसाइड नहीं करेगी अब कि में हिट है कि नहीं है hmm. अब ऑडियंस एक्चुअली कंटेंट बेस पे डिसाइड कर रही है परफॉर्मेंस बेस पे डिसाइड कर रही है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं है कौन सी उन्हें पसंद आ रही है तो ये क्योंकि ये प्रेशर हट गया बॉक्स ऑफिस का तो सब ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है वो एक्सपेरिमेंट राइटर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स सब के साथ हो रहा है hmm. और उसी की क्योंकि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो ज़्यादा ऐसे कुछ ना कुछ मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी आएंगे और hmm.

एपिसोड है वो तीस मिनट का ही हो चालीस मिनट का ही हो एक घंटे का ऐसा कुछ नहीं है स्टोरी का डिटेल लेंथ डेप्थ सब कुछ आप एज पर द स्टोरी यू कैन डिसाइड सो इट इज अ फ्री फ्लोइंग फॉर्मेट एंड आई गेस देर आर मोर पॉसिबिलिटीज टू एक्सपेरिमेंट विद कैरेक्टर्स सो जितने भी लोगों को परफॉर्मेंस की भूख है आई गेस होट इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज और जहाँ तक सिनेमा की बात है फिल्म की बात है तो कुछ फिल्में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप थिएटर में देखना ही पसंद करोगे बिकॉज ऑफ़ दैट फील दैट ग्रैंड यूर दट कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस ओ टी टी इज मोर ऑफ अ पर्सनल व्यूइंग एक्सपीरियंस सो मतलब इसकी वजह से उसको नुकसान हो गया या उसकी वजह से इसको ऐसा नहीं है इट्स जस्ट अनदर फॉर्मेट दैट इज कम अप आप इंस्परेशन किस से लेते हो आप कोई एक्टर्स से इंस्परेशन लेते हो मूवीज से इंस्परेशन मतलब आप, आप आपकी खुद की मोटिवेशन आती कहाँ से और कैन यू से कि आपका कोई आइडल है जिस पर आप खुद को थोड़ा सा मॉडल कर रहे हो आई एम नॉट सिंग एक्ज मॉडलिंग बट थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ मुझे ऐसा कोई एक नहीं है जिस पर मैं खुद को मॉडल करता हूँ पर मैं बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखते रहता हूँ बहुत कुछ जान रहा हूँ तो मतलब मुझे बहुत सारे लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं दैट मोटिवेट्स मी कि ये चीज़ इसके जैसी होनी चाहिए ये इनके जैसा करना चाहिए ये इनके जैसा आप ऐसे तो कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो जिसकी वजह से आपको ऑलरेडी आपने उसके फ़ायदे देखे हैं खुद की लाइफ में तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे लगता है विच आई आई एम श्योर सब यही जवाब देते होंगे खुद के बारे में बट आई थिंक माई फादर इज़ द परसन दैट यू नो आई गेट लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्राम आई आई फील कि उनके जैसा होना बहुत रेयर वर्च्यू है एक्शन ओरिएक्शन औरिएंटेड दैट सिंप्लिसिटी दैट कंटेंटमेंट के मतलब उन्होंने मुझे जो एक चीज़ बोली थी लाइफ में दैट चेंज माई लाइफ अलॉट कि तुझे जो अंदर से पसंद है ना वही कर जब मैं जॉब और एक्टिंग दोनों साथ में करता था आई वॉज जगलिंग बिटवीन दीज टू लाइव इसे कि जॉब छोड़ दे तू एक्टिंग कर बिकॉज दैट्स वेर योर हार्ट इज ऐसा नहीं था कि जॉब में मेरी मतलब हालत ख़राब थी आई वॉज ग्रोइंग देर ऑल्सो एट अ गुड रेट काम में भी सब जगह सब अच्छा था बट ही वॉर दैट अगर तू डर से कुछ दोनों चीज़ें में डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो छोड़ दे और ये फील्ड की सिक्योरिटी इन सिक्योरिटी पर जा रहा है तो वो भी छोड़ दे देन ही सेट दिस लाइन कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा छोटा घर होगा छोटी गाड़ी होगी पर तू खुश होगा तो लाइफ को ना ऐसी बड़ी वो आ, कड़ियों में बांध मत देना कि घर और गाड़ी शुड नॉट डिसाइड वॉट यू डू यू फर्स्ट डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो आज आपकी एज क्या है आई एम फोर्टी तो एट फोर्टी वर्सेज एट थर्टी वर्सेज एट ट्वेंटी फाइव आपका माइंड सेट कैसे बदला क्योंकि आपसे बात करते हुए ऐसा लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा सॉलिड माइंड सेट है बट ये ओवर टाइम इतना सॉलिड बनकर रिवॉल्व हुआ है पता नहीं कभी ऐसा सोचा नहीं मैंने पर मतलब मैं आई डोंट नो शायद पहले भी ऐसा ही था ज्यादा फर्क तो नहीं था ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैंने किसी के पास साइकिल देखी और मुझे लगा यार मेरे पास भी नहीं है यार मुझे साइकिल चाहिए मतलब आई एम जस्ट सेइंग अबाउट द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दैट आई टॉक अबाउट किसी के पास की कोई चीज देख के मुझे कभी छोटापन महसूस नहीं हुआ mm. या मेरे पास कुछ है तो दूसरे के लिए मुझे कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ तो आई गेस आई गिव ऑल दैट टू माई अब्रिंगिंग हम लोग ऐसे एटमोस्फियर में पले बढ़े हैं कि इन सारी चीज़ों से कभी फर्क ही नहीं पड़ा Hmm. वो बाक़ी लाइफ को देखने का नज़रिया लोगों को देखने का नज़रिया आई डोंट नो यार ऐसा कोई मेजर फ़र्क मुझे लगता नहीं है मेरे में बीस तो <laughs> से तीस से चालीस साल तक हुआ होगा बट आप खुश थे तभी भी हाँ मेरा नाखुश होने का शायद सबसे बड़ा रीजन होता था कि यार कुछ मुझे वो करना है वो हो नहीं रहा है पहला होता था, हाँ, कहीं एक कुछ काम मिल जाए वैसा. इस शहर के बारे में क्या सोचते हो ओ, ये तो मतलब ये शहर ऐसा है कि अगर कोई मेहनत करने की तैयारी से आता है तो यहाँ बहुत कुछ है करने को बट ओपन मतलब ओपन मतलब सर्वाइवल इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू शुड बी ओपन फॉर कि मैं कैसे भी करके यहाँ टिकूंगा तो अपना अपनी जगह बना पाऊंगा टिकना बहुत ज़रूरी है और टिकनिक मतलब इतने सारे काम हैं यार इतना काम है करने के लिए यू हैव टू बी ओपन फ्रॉम हियर आँख कान दिमाग सब खुला रखोगे तो करने के लिए बहुत कुछ है hmm. और ग्रो ग्रो भी कर सकते ग्रो भी हो। कर सकते हो बट hmm. uh, इस शहर की कोई बुरी बात है लाइक like, जो लोगो शायद यहाँ रह पता नहीं होती Asking पता आग... नहीं देखिए बुरी बात मैंने जितनी सुनी है कि यार बहुत फ़ास्ट है इसमें लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर किसी भी चीज़ की किसी भी किसी की भी लाइफ से या बहुत मटेरियलिस्टिक है ऐसा मैंने बहुत सुना है लोगों को बोलते हुए पर मैं इस चीज़ को बहुत अलग तरह से देखता हूँ मुझे लगता है ये शहर ना इतना खुला है ये सबको अपने तरह अपने तरफ से अपने तरीके से जीने की फ्रीडम देता है पर आपको ये लगता है तो बेसिकली स्टार्टअप की दुनिया में ये वर्क फ्रॉम होम रेवोल्यूशन अभी स्टार्ट हुआ है कि आप घर पर बैठ के काम कर सकते हो तो पूरी स्टार्टअप की दुनिया जो इनिशियली मुंबई में थी गुड़गांव में थी बैंगलोर में थी अब हर जगह चली हर जगह कोई कोई लोग देहरादून गए हैं कोई कोई लोग वर्कला गए हैं कोई नॉर्थ ईस्ट गए हैं तो लोग कहते हैं कि शायद ये थियोरी है बट मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ जो वर्ली पर जो रोड बन रहा है और ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बॉम्बे का उसके वजह से शायद एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ फ्लडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड uh, बहुत एन्वायरमेंटल ने प्रडिक्ट किया है कि शायद मुंबई मे नॉट बी अबिटेबल सिटी इन ट्वेंटी ईयर्स तो आपको लगता है कि मीडिया इंडस्ट्री भी स्प्रेड आउट हो जाएगी मीडिया इंडस्ट्री मुझे तो मैं तो बहुत टाइम से ऐसा फील करने कर रहा था कि जैसे मुंबई की पॉपुलेशन बढ़ रही है जैसे जितने लोग आ रहे हैं मुझे लगता था कि मुंबई के आजू बाजू ऐसे दस बारह मुंबई बनाने की ज़रूरत है आपको लगता है ये होगा हाँ ये होगा ये हो ही रहा है लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग इनफैक्ट आप देख टेक्नोलॉजी की वजह से अभी तो फिजिकल प्रेजेंस जैसा कुछ रहा ही नहीं mm. हम लोग अभी भी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है क्योंकि वी हैव टू एक्ट वी हैव टू बी देयर फिजिकली सो दैट्स वन पार्ट बाकी मुंबई अभी मुझे लगता है मुंबई जैसे दस बारह पंद्रह मुंबई पूरे हिंदुस्तान में बनेंगे आई आई होप सो I, I also feel कि OTT की जो आपने कहा ना आप ही, कर सकते, आप ही सब कुछ आप कर सकते हो और इन फैक्ट यूज आई गैस अर्ली स्टार्ट देर आर पीपल वेरी इंटरेस्टिंग टू नो मुंबई की बात की जाए तो आई डेफिनेटली फील एक् मैं खुद नहीं कह रहा हूँ ये मेरी एक फ्रेंड है जिनके स्पिरिचुअल गुरु यूपी में बैठते हैं हरिद्वार में बैठते हैं जी उत्त उत्तराखंड तो उन्होंने उनसे कहा कि इस शहर में बहुत कम ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ सबकी रिलेशनशिप्स हेल्दी है ये शहर आपके फैमिली लाइफ को आपके स्पिरिचुअल लाइफ को आपके आई डोंट वांट टू से लव लाइफ बिकॉज लव लाइफ लोग ये सोचते कि रोमांटिक लव लाइफ पर नहीं आप दोस्तों से भी लव कर सकते हो तो आपके सारे जो ह्यूमन कनेक्शन होते हैं उसे थोड़ा वीकन कर सकता है कर देता नहीं बट उसका पोटेंशियल रहता है। आपने ये फेल फील किया है कभी मैंने कभी फील नहीं किया है ये यहाँ पर मुंबई में दूसरे लोगों के बारे में मुझे लगता है मुंबई में ना एक्सेप्टेंस बहुत है बहुत एक्सेप्टेंस है यहाँ आप लोग लो जितना मदद करने के लिए तैयार होते हैं या जितना करते हैं उतना शायद बाहर नहीं करते होंगे ये आपने देखा मैंने बहुत देखा है ये मुंबई मुंबई में ये चीज़ है मुं, मुंबई हैज़ अ स्पिरिट एंड आई हैव एक्सपीरियंस द स्पिरिट ये मुंबई पूरा एक्चुअली जो बना है ना जो आप आई डोंट नो कहीं पर सुना होगा कि नहीं आपने पर एक, मुझे ये लगता है मुंबई आप बोरीवली स्टेशन पे निकलो दादर स्टेशन पे निकलो कहीं पर भी ऐसी जगह निकलो जहाँ लोग भाग रहे हैं पहुँच रहे हैं काम कर रहे हैं एवरीबडी हैज़ कम हीर टू एक्सेल सब वो मोटिवेशन के साथ वो एनर्जी के साथ आए तो पूरी मुंबई ना उन एनर्जी की बनी हुई सिटी है hmm. लोगों का जो पसीना है उसी उसी की हवा आती है यहाँ पर इज़ वाट आई फील और लोग जब इतने पैशन के साथ इतनी मेहनत करने यहाँ आते हैं तो उस सिटी में नेगेटिविटी हो कैसे सकती है यू सी एवरी बडी इज रनिंग आई मीन मैं इसको पूरा नेगेटिव बना ही सकता हूं कि सब भाग रहे हैं कहीं ना कहीं कोई घर को, पहुंच नहीं रहा सुबह से शाम तक भाग बट दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर इन द लाइफ सो वट इज रॉन्ग और रिलेशनशिप की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि ये कर्म योग भी एक साधना है ना करेक्ट काम भी तो साधना है hmm. वो भी तो भगवान मतलब आप पूजा करने जैसा ही बात है वो hmm. तो मुझे लगता है कि कर्मयोगी सबसे ज़्यादा मुंबई में ही है फिर डेफिनेटली नहीं नहीं डेफिनेट प्रॉबली अगर पूरे वर्ल्ड को भी स्कैन किया जाए देन ऑल्सो क्योंकि मैं, मैंने मैं, मैंने न्यूयॉर्क देखा है टोक्यो देखा है जो लोग कहते हैं कि न्यूयॉर्क और टोक्यो मुंबई से बहुत ज़्यादा सिमिलर है पर यहाँ की एनर्जी और स्पीड अलग ही होगी है ना अलग स्पीड hmm. मतलब यू स्टार्ट बहुत लोग बोलते हैं कि हमें आदत लग गई है मुंबई की मैं बाहर जाता हूँ तो मुंबई से छूट नहीं तो मुझे लगता है वो आदत इस एनर्जी की है आपको चाहिए वो एनर्जी सुबह दैट मोटिवेट्स मी ंगट प्रेशज प्रेशन इट्स नॉट गुड फॉर यू मे बी ब्रेक लेकर लौट के आओ ब्रेक लेकर लौट के आओ अपने काम करने के का तरीके के बारे में है मतलब इट्स जस्ट अबाउट दॉट प्रोसेस आई ऑल्सो फील इट्स अबाउट वेज ऑफ लाइफ क्या अगर आपको लगता है कि आपके प्रायोरिटीज बदल गए अगर करियर आपकी प्रायोरिटी आपको डेफिनेटली यहाँ रहना चाहिए शायद आपको ये सिटी बहुत फास्ट लगेगी बहुत भाग दौड़ वाली लगेगी

मैरिज आई गेस इट वर्क्स एज एन एंकर इन योर लाइफ यू नो इमोशनल एंकर इमोशनल एंकर सोशल एंकर मतलब आई गेस एंड इट ऑल्सो वर्क एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ये आप समझा सकते एक तो ऐसा है ना मैरिज मतलब यू हैव अ लाइफ पार्टनर विथ यू सो ये एक कॉन्स्टेंट फील है टू बी नीडेड बाई सम ये कॉन्स्टेंट फील है टू बी लव्ड बाई समन एंड यू हैव समबडी यू नो एज अ सपोर्ट एज अ स्ट्रांग सपोर्ट नो मैटर वॉट बिकॉज दैट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में आपको जज नहीं करते एंड यू ऑलवेज वॉन्ट टू गो बैक टू दैम एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू डिस्कस लाइक योर पेरेंट्स योर सिबलिंग्स योर प्रेशर्स योर प्रेशर्स तो आप, आप प्रेशर नहीं लेते हाँ, मतलब नहीं। प्रेशर I, I don't know, प्रेशर तो क्या होता है अ पॉइंट कभी लगता है कि वो जो आंसरेबिलिटी है ना एक मतलब टू योर योर दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग जैसे कि मतलब आपको जवाब देना है किसी को ओके okay. वो, वो बहुत तरीके से वो आपको ग्राउंडेड भी रखता है वो आपको सैन भी रखता है आपको फिर ये क्यों लगता है कि हम स्पेशली शहरों में हम डिवोर्सेज ज़्यादा क्यों देख रहे हैं यू बिन मैरिड फॉर अ वन ट्वेल्व ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स एंड आपकी रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होती है ट्वेल्व ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम माई परस्पेक्टिव ट्वेल्व ईयर्स एंड टेंटैंडर्ड में मैं आपको ये सारे सवाल मेरी परस्पेक्टिव से पूछ रहा हूँ सो डोंट माइंड द वन दाइड बट ओवर ट्वेल्व ईयर्स रिलेशनशिप्स बदलते कैसे और एक्चुअली आपके पार्टनर ने आपको जो आपने कहा कि स्टेबिलिटी मिलती है तो ऐसे कुछ इंसिडेंट या मोमेंट्स शेयर कर सकते हो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं यार मतलब आप देखो ना मैं बॉम्बे में आके 2004 में आया 2014 में मैंने घर लिया मी माय वाइफ माय ब्रदर माय फादर मदर हम लोग सब साथ में ही रहते हैं मैंने 2014 में घर लिया इतना बड़ा लोन लिया व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी तब मैंने जॉब छोड़ दी 2016 में तो इस टाइप के वेक डिसीजंस लेते टाइम वेयर डू यू गो फॉर दैट एश्योरेंस कि सब ठीक है सब ठीक ही होगा कहाँ से आता होगा ये ये मुझे नहीं सी इट्स वेरी डिफिकल्ट और मे बी इट्स वेरी इजी टू से हाँ मैंने सोचा मैंने कर लिया इट्स नॉट यू ओनली इट्स यू एंड योर सराउंडिंग दैट पुशीज यू टू डू दिस थिंग्स

आप दो अल, दो आदमी अलग ही होते हैं और अलग ही होने चाहिए बट वी एज ह्यूमन बींगस हमें चाहिए कि यार उसने मेरी तरह नहीं सोचा मैंने उसकी तरह नहीं सोचा तो उसको प्रॉब्लम है hmm. तो ये एक इंटरेस्टिंग आई गेस धीरे 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 मुझे लगता है वो एक लेवल पे एक्सेप्टेंस भी आ जाती है hmm. कि वो ऐसा ही, ही है।, है। वो एक्सेप्टेंस <laughs> आने के बाद और मजा आने लगता है बिकॉज देन यू एक्सप्लोर समथिंग एल्स बियॉन्ड दैट कि अब चलो वो टेंशन चला गया कि ये क्या सोच रहा है वो क्या सोच रही है क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी की भी बातें करी मैरिज में कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट होता है आपको लगता है कि मैरिज की वजह से आपका लक बदल जाता है या आपके आ, बच्चे होने के बाद कोई चीज़ बदल जाती है आपके आई यार सी एवरी ह्यूमन बीइंग कम्स विद सम एनर्जी इन योर लाइफ बीट योर कलीग बीट योर स्पाउस बीट योर एनी बड़ी सो एनर्जी जो है ना वो दिस एनर्जी स्टार्ट्स वर्किंग टूगेदर एंड दैट्स वैन वी फील दैट लक इज चेंजिंग और थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड मी

ऑनलाइन रिवील नहीं किया थोड़ी सी आपने इस इंटरव्यू में रिवील करी है uh, बहुत सिंपल सवाल है आप गॉड uh, से क्या मांगते हो आई नो यू बिलीव अ लॉट इन गॉड बट लाइक वॉट डू यू आस्क फॉर एट दिस स्टेज क्योंकि द होल वर्ल्ड इज काइंड ऑफ एटलीस्ट इंडिया इज लुकिंग एट यू वन सिंग गुड गुड गाय गुड एक्टिंग एवरी थिंग गुड बट एट दिस स्टेज वॉट डज दैट हैप्पी पॉजिटिव मैन मैं दो चीज़ें रोज़ मांगता हूँ भगवान से कि अच्छी अपॉर्चुनिटी देना उस अपॉर्चुनिटी के साथ पूरा न्याय कर सकूं उतनी एनर्जी देना इसमें आई गैस एवरी थिंग सम्स आई अपने वो महाभारत की वो स्टोरी सुनी है जहाँ दुर्योधन और अर्जुन दोनों आप महाभारत के बारे में जानते मतलब हाँ, okay. हाँ, I mean, yeah, yeah. okay. तो बेसिकली एक स्टोरी है कि कृष्णा भगवान सो रहे थे और वो भी एक किंग थे उनकी भी एक आर्मी थी और महाभारत युद्ध से पहले दोनों दुर्योधन और अर्जुन उनके पास गए थे उनकी आर्मी मांगने के लिए hmm. कि प्लीज़ हमारे साथ फ़ाइट करो और अर्जुन बोल रहे हैं हमारे साथ फाइट करो एंड टेक्निकली ही वाज रिलेटेड टू बोथ या तो ही कुड हैव चोजन एनी साइड पर वो सो रहे थे जब ये दोनों आए और uh, अर्जुन डिसाइडेड कि मैं उनके पैरों के सामने रुकूंगा एंड दुर्योधन डिसाइडेड कि मैं उनके सर के सामने uh, वेट करूँगा एंड अर्जुन डिसाइडेड आउट ऑफ रिस्पेक्ट तो जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा बिकॉज उनका hmm. सर ऐसा था और दुर्योधन वहाँ बैठा था तो ही uh, सर कि अच्छा आई विल फर्स्ट लिसन टू अर्जुन देन आई लिसन टू दुर्योधन फिर uh, दुर्योधन ने ये ऐसे कैसे कर सकते मैं पहले आया था और फिर uh, कृष्णा भगवान ने कहा कि आई नो कि तुम दोनों मेरी आर्मी और मुझे मांगने के लिए आए हो मतलब यू वांट मी एंड माय आर्मी टू फाइट ऑन योर साइड बट आई ओनली वन ऑफ यू विल गेट द आर्मी वन ऑफ़ यू विल गेट मी और फिर आ, उन्होंने बोला क्योंकि मैंने अर्जुन को पहले देखा मैं पहले अर्जुन से पूछूंगा कि आपको आर्मी चाहिए या मैं और अर्जुन ने तुरंत कहा कि मुझे आप चाहिए आपकी आर्मी नहीं चाहिए हुँ. और दुर्योधन बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि यार ये इतनी पावरफुल आर्मी मेरे साइड पर आ गई अभी मैं वॉर जीतूँगा अर्जुन को सीक्रेटली पता था कि अभी ये वॉर तो हम ही जीतने हुँ. वाले हैं क्योंकि भगवान हमारे साइड पर और ये मुझे बहुत बहुत पहले कहा गया था ये स्टोरी मुझे बहुत पहले सुनाई गई थी तो हमेशा तब से मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूँ कि प्लीज मेरे मेरे, मेरे साइड पर रहो <laughs> मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए बट मेरे साइड पर रहो आप भी कुछ ऐसे ही करते हैं। वही हुआ है <laughs> मतलब <laughs> मेरे साइड पर बिकॉज़ सी आई आई फील डिसाइड इंटरव्यू से कुछ लेकर जा रहे हो लॉट ऑफ थिंग्स टॉकिंग ऑन दीज टॉपिक्स इज नॉट नॉर्मल इट्स नॉट जनरलीट वी डू वेरी इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट समथिंग लाइक दिस आप क्योंकि आपका इतना ज्यादा स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव है आपको इस स्परिचुअल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो प्री एक्टिंग डेज या ड्यूरिंग एक्टिंग डेज बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे हैं जिन्होंने आप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया मतलब मैं सूरत में था जब थिएटर करते थे वहाँ पर तो वहाँ पर हमेशा ना एक चीज़ हमें ऐसी लगती थी कि यार मुंबई से नाटक आते हैं तो उनके लिए लोग टिकट देख के लेने जाते हैं मतलब टिकट लेते हैं देखने जाते हैं हम सूरत में इतनी मेहनत करके इतना प्ले करते हैं कोई टिकट ले देखने नहीं आता हमें सिर्फ साल में दो बार परफॉर्म करने का मौका मिलता है कॉम्पिटिशन्स में तो ये एक बहुत लगता था कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों एक दिन मैं मुंबई से कोई एक नाटक आया था वो देखने गया जब मैंने देखा तो बोला यार वो फिनेस है बोलो वो पूरा एक ग्लैमर है सेट है ये सब मतलब इट्स अ प्रोफेशनली मैनेज शो तब लगा कि ऐसा कुछ करना तो चाहिए वी शुड एक्सप्लोर दिस कट टू आफ्टर ऑलमोस्ट टेन ईयर्स आई केम टू बॉम्बे और मैंने पहला नाटक मेरी लाइफ का पहला कमर्शियल प्ले सेम टीम के साथ किया। <laughs> मैंने सिर्फ एक बार सोचा था कि ऐसा खर्च करना है उसके बाद बैक टू बैक इतनी बार ऐसा हुआ है मैंने सोचा कि मुझे इनके साथ काम करना है यार एंड इट कम्स टू मी मतलब ऑफलेटली तो इतनी बार ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे ही रैंडमली सोचता हूँ कि ये होना चाहिए एंड देन आई गेट अ कॉल ये 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 चीज़ मैं ऐसे सोचना चाह रहा हूं, तो वो हो जाती है hmm. तो मुझे लगता है कि ये मुझे और उस और सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि देर इज समथिंग विच इज़ कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग यू गाइडिंग यू यू जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ सो दैट यू कैन लिसन टू इट अंदर जितना आप वो सब चालू कर दोगे अगर करप्शन अंदर ही अंदर देन इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू लिसन टू दैट वन इन अ वॉइस सो बी बी एब्सोलूटली क्लियर एंड आई फील कि गॉड के दो वर्जन होते हैं हर इंसान के लिए एक जो आपने कहा कि कर्मयोग जो आपका काम होता है एंड कर्म योग इज ऑल्सो हाउ यू ट्रीट पीपल जो लोग कहते हैं किसन प्लस योर वर्क और दूसरा होता है वो जो आपने कहा कि अनडिफाइंड एनर्जी जो कोई कोई लोगों के लिए जीसस क्राइस्ट होता है कोई कोई लोगों के लिए कृष्णा होता है कोई, कोई कोई लोगों के लिए यूनिवर्स होता है कोई, कोई कोई लोगों के लिए वाइब्स होती है तो ये जो दूसरा वर्जन है ये आपके लिए क्या है आप कैसे डिफाइन करोगे उस चीज़ को सो so, मेरे लिए मुझे लगता है कि वो जीव में शिव है एक्चुअली द इज गॉड इन यू द इज गॉड इन हिम द इज गॉड इन मी द इज गॉड एवरीवेयर इट्स द वे यू यू लुक एट इट फिर चाहे वो कोई भी हो योर hmm. और इस चीज़ पर लोग पिकअप करते हैं कि इफ यू आर गिविंग आउट गुड वाइब्स सो मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करता हूँ योगा प्रैक्टिस करता हूँ और एट द स्टेज ऑफ योगा आई मैट हमें एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं कि अब ऐसे करो अब ऐसे करो इट्स अ पार्ट ऑफ योर एवोल्यूशन अदर देन योर मेडिटेशन मेडिटेशन हर दिन कर रहे हो उसके साथ साथ आपको टास्क दिए जाते हैं कि अगर आपको एंगर फील हो रहा है अभी एंगर कंट्रोल कर दो अगर जेलेसी फील हो जेलेसी कंट्रोल कर दो जो भी लस्ट तो लस्ट द स्टेज आई एम एट आई फील कि ये सब चीज़ें अभी हो गए दो तीन सालों में अभी इट्स अबाउट गिविंग आउट तो वी एंटर एवरी रूम विथ गिविंग आउट पॉजिटिव एनर्जी तो इफ़ आई एंटर रूम और योगा में बहुत ज़्यादा विजुलाइजेशन होती है तो आई विजुलाइज दैट थ्रू मी मीज़ पॉजिटिव एनर्जी एंटरिंग एंड आई एम गिविंग इट आउट टू अदर पीपल और ये मैंने देखा कि लोग नोटिस करते हैं बहुत स्ट्रेंजर्स मेरे पास आके पूछे कि आप आप में कोई अलग चीज़ है इट्स yeah, yeah, no? yeah. so like, एनर्जी बात करती है तुरंत. जब हम यहाँ भी आए थे मैंने आपको हाई बोला, आपने आपने उठ एनर्जी राइट बट चलो अभी लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का uh, यही पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हैं क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा दुख है और आपके और उनके लिए आप एक आइडल बन गए हो आपको देख के ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है अपने करियर में ऐसा कैरेक्टर प्ले करना बहुत सारे टैलेंटेड मेरिटेड एक्टर्स हैं उनको शायद ऑपरचुनिटी नहीं मिली है तो उनको आप क्या कहना चाहोगे या जनरली स्ट्रगलर्स को जो कोई भी करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहोगे मुझे लगता है ये एक तो पहले ना जो भी अगर किसी भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है ऐसा फील भी कर रहा है ना तो पहले वो स्ट्रगल वाला वर्ड ही निकाल दो सोच में से बिकॉज सच अ नेगेटिव वर्ड द मोमेंट यू फील द टाइम स्ट्रगलिंग द मोमेंट यू टॉक द टाइम अस्ट्रगलिंग एक्टर और स्ट्रग्लिंग सिंगर और स्ट्रग्लिंग स्ट्रगल वर्ड ही बहुत नेगेटिव है यू आर नॉट स्ट्रगलिंग यू आर वर्किंग काम ढूंढना अपने आप में भी एक काम होता है बिकॉज उसके लिए भी आपको बहुत एनर्जी लगती है उसके लिए भी सोचना पड़ता है उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती सो so, एक तो स्ट्रगल ये चीज सोचना भी बंद कर देना चाहिए दूसरा वॉट एवर इज हैपनिंग यू मेक योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट and that's when you start working on yourself, making yourself better. Because it's very easy to blame the world. और हम पैदा हुए तब किसी ने तो ऐसा लिख के भेजा नहीं था ऊपर से कि सब कुछ सही होगा इस ट्रैक के साथ तो हम आए नहीं थे ऐसा कोई गारंटी वारंटी कार्ड भी नहीं था सो हूम आर वी ब्लेमिंग इट फॉर मतलब किसको भगवान को बोलेंगे कि किसको बोलोगे आप कि मेरे साथ ये नहीं किया तुमने मुझे काम नहीं दिया तूने मुझे ये नहीं किया और ये एंडलेस चीज़ है यह होता ही रहेगा इसका कोई इलाज नहीं बट द मोमेंट आई स्टार्ट ब्लेमिंग एनी आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ टू इम्प्रूव मैंने मेरी जवाबदारी खत्म कर दी वहाँ पर कि मैं तो बेस्ट था गलती उसकी थी सो आई गेस इस सब में से बाहर आके जस्ट कीप वर्किंग बिकॉज इन एनी फील्ड द ओनली आंसर टू दिस इज हार्डवर्क एंड हार्ड वर्क हैज़ नो सबस्टिट्यूट वॉट्सोर सो आई थिंक आई एम जस्ट इट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस दिस इज वॉट हैज़ वर्कड फॉर मी करना शायद वही है थोड़ा सोच बदल के करना है क्योंकि आप एक एक्टर क्योंकि आपने इतने सारे करियर्स में आ, थोड़ा थोड़ा काम किया आपने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया आई uh, फील कि एक कोई भी पॉडकास्ट के थ्रू आप एक इंसान को एक डीपर लेवल पर जान सकते हो बोथ यू नोन मी आई हैव नोन यू एस वेल मुझे कुछ एडवाइस दे दो क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे क्वेश्चन के थ्रू और मेरे प्रॉब्ली बॉडी लैंग्वेज के थ्रू रिएक्शंस के थ्रू आपको मेरे बारे में भी कुछ चीज़ें पता चली है जो शायद ऑडियंस को अब तक नहीं पता एंड आई एम ओपन आई एम ओपन टू एडवाइस जो भी अगर टफ एडवाइस भी टफ एडवाइस दो आई एम टेकिंग इट एज एन एल्डर ब्रदर नो बट ऐसी तो एडवाइस कुछ नहीं है मुझे तो इनफैक्ट आपसे कुछ सीखना पड़ेगा जानना <laughs> पड़ेगा कि जिस हिसाब की योगा प्रैक्टिस जिस हिसाब का मेडिटेशन और जिस हिसाब का ये इनर पॉजिटिव पावर लेके आप चल रहे हो वो बहुत बड़ी बात होती है यार और ये अचीव करने में अपने आप में बहुत मेहनत लगती है बहुत कॉन्सेंट्रेशन लगता है सो आई गेस यू आर डूइंग ब्रिलियंट मतलब आई नीड टू लर्न फ्रॉम यू आई एम ऑनेस्टली ये सब अच्छा चल रहा है मेरे लिए बट आई एम एन पेन अबाउट अ फ्यू थिंग्स इन माई लाइफ सम अदर थिंग्स लाइक आई दॉड ऑफ सेल्फ करियर प्रेशर लाइक आई फील की एवरी वन अराउंड मी एंग की अरे योर करियर इज लाइक गोइंग डा एंड आई नो इंटरनली आई नो इट इज़ बट करियर की बात तो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक यू शूड थिंक मच अबाउट इट इफ इट्स योर पैशन इफ यू फील राइट समथिंग राइट दे थिंक अराउंड अराउंड इट आई मीन देर आर लॉर्ड ऑफ वेस्ट टू रिवाइव एनी थिंग एंड एवरीथिंग और अभी मुझे लगता है ये लास्ट ईयर ने ना हमें बहुत इंटरेस्टिंगली एक बात सिखा दी है यू कीप प्लानिंग कर लो कितना प्लान करना है क्या कर लोगे प्लानिंग करके <laughs> मतलब अभी बहुत इंटरेस्टिंग एक मैंने स्टोरी पढ़ी किसी की तो इंस्टाग्राम पे रखी थी कहीं पर कि जितने लोगों ने 2015 में बोला होगा कि वेड यू सी डाउन द लाइन सब झूठे निकले या तो सबका प्लानिंग फेल हो गया आई मीन बेस्ट ऑफ द आर फेल्ड राइट सो वॉट इज प्लानिंग मुझे लगता है प्लानिंग में एक चीज ना एजिलिटी जो चीज है ना यू हैव टू बी एजाइल सो दैट आई कैन इन इट इज़ द मेन थिंग एंड दैट दैट इज मेक्स आई गेस मेक्स द डिफरेंस टफ टाइम में ही इनोवेशन निकले हैं आज तक दुनिया में पर्सनल लाइफ में भी यही होता है इफ यू फील दिस इज द लोएस्ट टाइम देन यू आर अश्योर दैट नाउ ऑनवर्ड्स द जर्नी इज अपवर्ड इससे नीचे तो कहां जाएगा ना आदमी आप, yeah, आप, okay, आपका इंटरनल इंजीनियर भी बात कर रहे हैं तो इससे नीचे तो जाने का पॉसिबिलिटी है नहीं तो अभी तो ऊपर ही जाएंगे थैंक थैंक यू यू ब्रदर वेरी मच आई रियली अप्रिशिएट इट मैंने आपको बहुत ज्यादा स्टडी किया इस इंटरव्यू के पहले और आई एम ग्लैड कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करने का चांस मिला तो फिर आपकी स्टडी को मैं जानना चाहूंगा डिटेल में कभी आई न्यू दिस थिंग्स अबाउट कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो ये ऑनेस्टली अगेन अगेन जब योगा करते हो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट बन जाते हो लाइक यू कैन टेल अ लॉट अबाउट अ पर्सन इवन

लोगों ने उन कैरेक्टर्स को लेकर जस्टिस uh, नहीं किया लोगों ने उन कैरेक्टर्स को लेकर uh, ज़्यादा सोचा नहीं है हर्षद मेहता तो ऑनस्टली हैड अ नेगेटिव इमेज इन द पब्लिक एंड यू इट अराउंड नॉट लाइक पीपल हैव पीपल लुक एट इट एज अ ग्रे शो बट शायद सम वे इन द यूनिवर्स ये थोड़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक बात हो गई बट समे इन द यूनिवर्स आई फील लाइक हिज सोल वॉन्टेड द शो टू बी मेड एंड यू वर द मीडियम एंड दैस गुट बी मेनी मोर स्टोरीज लाइक दैट So that's all I have to say. Brother. Thank you very much. God bless you. Thank you. And uh, I'm, I'm sure you're going to take India to the world. That's the other thing I'll say. Oh, big Thank thing you. for me. Thank you. Bye. Thank you. Brother. Thank you very much.